अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि यार आप सबको पता है, मानसून स्टार्ट हुआ है और आज वो दिन था कि सबसे ज़्यादा आज बारिश हुई है। जगह जगह पे ना पानी खड़ा हो गया, बहुत पानी खड़ा हो गया। मैं दिखाता हूँ ग्राउंड में, पहले दिखाता हूँ। ओए होए, ये देखें, ऐसे इधर ग्राउंड है ही नहीं, कोई झील वगैरह। और इस तरफ नालों से पानी बाहर आ गया, देखें रोड तक पानी गया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नालों से पानी बाहर आ जाएगा बारिशों में। तो यार आज की वीडियो में ऐसा करते हैं, मैं आपको बाहर जगह बताता हूँ जिधर जिधर पानी ज़्यादा खड़ा है। गाड़ी पे चलते हैं बाहर और बाहर की सूरत हाल दिखाता हूँ आप लोगों को। शंकी को यार नहीं लेके जा रहा क्योंकि इसने तंग करना है, जिद कर रहा मुझे लेके जाओ। शंकी नहीं नहीं, यार सबसे पहले मैं आप लोगों को ना जो मेरे घर के बाहर वाला रोड है ना, तारिक रोड, उसकी सूरत हाल दिखाता हूँ और वहाँ से मैं आपको ग्राउंड भी दिखा दूंगा। ये ग्राउंड में देखें पानी, ग्राउंड तो नजर ही नहीं आ रही भाई। ये देखें रोड के साथ मिल गए। अच्छा यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक डेढ़ साल पहले ना एक काम शुरू हुआ था, ये जिधर टफ टायर्स लगी हुई है ना, इधर ज़मीन के अंदर पाइप डाले थे काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 100 के करीब इन्होंने पाइप डाले थे। उसकी वजह से ना काफ़ी फ़ायदा हुआ है, पानी नहीं खड़ा हुआ इतना। अगर मैं डेढ़ दो साल पहले वीडियो बनाता ना तो ये वीडियो में ये रोड का जो दरमियान वाला ना, ये नहीं था नज़र आना, इतना पानी होता था। तो भाई आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल देखते हैं। ये देखें ये पाइप है ना, इनकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, पानी नहीं खड़ा हुआ इतना, नहीं तो ये सड़क डूब जाती थी। ये वाला और वो वाला, ये वाला और वो वाला नाला आपस में मिल जाते थे। इधर से भी पानी उतर गया, नहीं तो इधर सबसे ज़्यादा पानी होता था खड़ा। इस साइड से पानी नहीं उतरा, वो उस तरफ ना नाला। अभी मैं मेन कैंट वाले साइड पे आया हूँ और इधर भी इतना पानी नहीं खड़ा, लेकिन इस गली में बस खड़ा है। ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है, इस तरफ से रास्ता बंद किया हुआ है इसलिए हमने आगे जाना है। इस तरफ भी पानी खड़ा हुआ है, जिस साइड पे भी मैं आया हुआ ना, इधर यार काफ़ी पानी खड़ा था, मुझे नहीं था पता। मैं गाड़ी ले गया और यार टायर भी पंचर हो गया और गाड़ी भी मेरी बंद होने वाली थी। इधर मैं किसी घर के ऊपर आ गया, ये थोड़ा ऊंचा करके ऐसे, ये देखें, और उधर से मैं आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा पानी है इधर।
गाड़ी में यार हवा भर तू हवा भर दी है। तो भाई हवा भर दी है यार, अब घर चलते हैं, इधर से निकले, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ हो यार काफी पानी है, बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, आगे भी है पानी, आगे काम नहीं है यार, निकल जाएंगे। ये देखो इस तरफ ना पानी उतर रहा है, नीचे को जा रहा है। इस साइकिल को देख के मेरा साइकिल चलाने का दिल कर रहा है, साइकिल चलाने का दिल कर रहा है यार। घर जा तू साइकिल पकड़ो भाई, अभी मैं आ गया हूँ वी माल वाली साइड पे, और मुझे याद है इधर सबसे ज्यादा पानी खड़ा होता था। जैसे इस तरफ खड़ा है ना पानी, वैसे सारा वी माल की तरफ खड़ा होता था पानी, गुजरने की जगह नहीं थी होती। जैसे ये है ना, बिल्कुल ऐसे नजर आता था। ओहो सारा पानी अब निकल, देखा पानी अब उस तरफ को जा रहा है तेजी से। इसके ऊपर ऊपर पानी गया होता, देखा पता चल रहा है निशान से, मेरे ख्याल से दुकानों में भी गया होगा पानी। इस साइड में सारा क्लियर है, सारे मुझे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। बारिश हुई है, कैसे लोग छुपे हैं अपने अपने घरों में, और कैसे ये जगह साफ हुई हुई है। बारिश फिर हो गई है स्टार्ट, तेज होना स्टार्ट हो गई है। मेरे घर वाला रोड है और इधर भी पानी, देखिए अभी उतर गया पानी काफी हद तक। साइकिल पे भी यार एक चक्कर लगाते हैं हल्का फुल्का। उस तरफ बच्चे नहा रहे हैं पानी में, ये पहले इधर से खेल रहे हैं। इनको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब बारिश होती थी ना बरसात में मानसून की, तो मैं भी ऐसे ग्राउंड में दौड़ता था, फुटबॉल बड़ा खेलता था बारिश में। इस तरह सफाई हो रही है, जो पानी नहीं खड़ा था रोड पे उनके लिए रास्ता बना रही है।
3 hours later. घर पानी खत्म हो गया यार, पानी भर के लाते हैं। टाइम बहुत हो गया यार, फिल्टर पता नहीं खुला होगा कि नहीं। खुला हुआ यार, शुक्र है। पानी खत्म हो रहा है यार, मसले। 1 hour later. बस यार पानी बिल्कुल ही आना बंद हो गया, 1 घंटे में इतनी भरी गई है ये वाली। बारिश रुकी है तो फिर मैं पानी भरने निकला हूं। A few moments later. साइकिल लेके निकलता हूं यार, एक चक्कर लगाता हूं। ग्राउंड का भी पानी उतना स्टार्ट हो गया, ग्राउंड के घास बड़े हैं ना इसीलिए पानी नहीं नजर आ रहा, घास बड़े होने स्टार्ट हो गए और स्पीड से बड़े हो रहे हैं। नाले का भी पानी उतर गया देखे। 3 hours later. फिल्टर से पानी भरने के बाद यार एक चक्कर ग्राउंड का लगाया और यार फिर घर आया, वापस खाना वगैरह खाया और कजन के घर चले गए थे हम सारे उधर काफी देर है और अभी 10 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है, 9 बजे ना सारा बाज़ार बंद हो जाता है। अभी यार मेरा शवारमा खाने का दिल कर रहा है, मुश्किल है कि मिले, तो यार चलते हैं साइकिल पे जाऊँगा और शवारमा लेके आते हैं। बाइक पे चलते हैं यार, अंधेरा पड़ा हुआ है, बाइक निकालते हैं। शवार में भी पकड़ ली और यार लेस चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक भी पकड़ ली। 1 hour later. तो भाई पार्टी शार्टी कर ली और शवार में वगैरह भी खा लिया और यार अभी टाइम काफ़ी हो गया, नींद आ गई है और मैं अपना टाइम टेबल भी सही कर रहा हूँ, हो भी रहा है। आज की यार ये वीडियो थी, आज की वीडियो में मैंने क्या देखा है, आज का भी सारा दिन बाहर ही रहे हैं गाड़ी में और पानी देखा है बस, और गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया था। तो खैर यार ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और यार आज का मुख्तसर सा शेर है कि खास हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। अल्लाह हाफिज़।